गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रेखा गार्डनिंग एंड व्लॉग्स पे। तो देखिए आज कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो आज हम बात करेंगे जेड प्लांट की कटिंग को कैसे प्रोपोगेट करें। तो जैसे कि आप ये मेरा प्लांट देख रहे हो, ये इसकी कटिंग आप जैसे ये सेमी हार्ड कटिंग है, आप यहाँ से इसको ले सकते हो और आपको कोई सी भी ब्रांच आप ले सकते हो, जो आपकी ब्रांच लंबी जा रही है उसको आप कट कर दीजिए। तो क्या होगा, इससे जहाँ से आप कट करोगे वहाँ से दो तीन ब्रांचेस निकल के आएंगी, ऐसे आपका प्लांट घना भी हो जाएगा और आपके नए प्लांट्स बनके तैयार भी हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने ये सीज़र लिया, इसको सैनिटाइज़ कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसको मैं कट करूँगी। और ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, ये एक पौधा हो, एक स्टेम्स मैंने कट कर ली और ये दूसरा ऐसे करके मैंने पहले भी लगाए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए बस दो ही ग्रो करके दिखाऊंगी। ये मैंने इसके नीचे की पत्तियां निकाल दी हैं, आप इसके नीचे की पत्तियां निकाल दीजिएगा पहले, उसके बाद मैं इसको ग्रो करूंगी कोकोपीट पे दोस्तों। तो कोकोपीट भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिस पर आप लगा सकते हो कटिंग्स को। इसमें मॉइस्चर लॉक रहता है और ये जो मैंने मिट्टी पर लगाई हुई है तो मैंने अलग अलग लगाया है, आप चाहो तो एक ही पे भी लगा सकते हो, मैंने अलग अलग सेपरेट सेपरेट लगाया है। मेरे पास ऐसे कंटेनर बहुत हैं दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये दही का कंटेनर है जो कि हमारे घर पे आता रहता है, मैंने इसको फेंका नहीं, इसको यूज़ किया। आप भी इसको फेंके मत, इसको यूज़ कीजिएगा। और ऐसे आपको ड्रेनेज होल बनाना है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको ड्रेनेज होल बनाना है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने तीन कटिंग लगा ली थी पहले और ये मैं अब दूसरी कटिंग्स जो है मेरी लग तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको अपनी कटिंग्स को लगा देना है, उसके बाद इसमें आप वाटरिंग कर दीजिए अच्छे से, जब तक आपका ड्रेन आउट नहीं हो जाता पानी तब तक आपको वाटरिंग करनी है। तो ये मैंने कटिंग्स लगा दी, अब मैं इसमें वाटर दूंगी। ये मैंने इसमें पानी दिया और इसको ऐसे मैं सेमी शेड में जहाँ पे धूप नहीं आती हो, ब्राइट लाइट हो लेकिन धूप नहीं पड़ती हो, आपको वहाँ पे अपनी कटिंग्स को रखना है जब तक आपकी कटिंग्स ग्रो नहीं कर जाती। तो जैसे कि ये मैंने आपको पहले दिखाया था, इसकी मिट्टी सूख गई थी, मैंने इसको भी वाटरिंग कर दिया। जब तक आपकी मिट्टी ऊपर से नहीं सूख जाए तब तक आप वाटरिंग मत कीजिएगा, जब सूख जाए तब कीजिएगा। तो मैं आपको एक पौधा दिखाऊँगी कि इसमें रूट्स बने हैं कि नहीं। ये मेरी सक्सेसफुल कटिंग है, इसमें नए लीव्स जो थी आ चुकी थी और ये देखिए मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये मेरी जो कटिंग है सक्सेसफुल हो चुकी है, इसमें कितनी अच्छी सी रूट्स आ रही हैं। और अब मैं इसको वापस से इसमें लगा दूँगी, ये देखिए इसको आपको वापस से लगा देना है और फिर ये मेरी एक पौधे से पांच कटिंग बनके तैयार होगी। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं भी है, आप दोस्तों के घर से कहीं से बुला के इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हो, इजीली कटिंग ग्रो हो जाएगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।